गाइस वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आपको बताने वाले हैं अबाउट द महिंद्र TUV300 2019। तो ये गाड़ी जस्ट आई है मार्केट में एंड वी हैव गॉट द रिव्यू फर्स्ट फॉर यू। और इससे पहले हमने आपको एक वॉक अराउंड भी किया, तो अगर आपको एकदम डिटेल में जानना है कि ये क्या है सब देख लीजिए। मैं आई बटन में आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ एंड नाउ आई टॉक अबाउट दिस कार। अब ये एक मॉडल ईयर अपग्रेड है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कंप्लीट फेसलिफ्ट। सो इसमें माइनर ट्वीक्स किए गए हैं यहाँ वहाँ, जिससे आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज दिस न्यू क्रोम पार्ट जो इसको ऐड किया गया। इट्स नॉट एग्जैक्टली क्रोम, इट्स समवट ब्लैक क्रोम या गन मेटल जो इसको दिया गया है यहाँ पे एंड अराउंड इट्स स्लैट्स। इसकी हेडलाइट अगर आप देखते हैं तो ये स्क्वायर है जो पहले भी था। हाउएवर नाउ यू गेट इस डे टाइम रनिंग LED इसमें जो दिन में व्हाइट लाइट देता है, विच लुक्स नाइस ऑन इट। साथ में आपके पास फॉग लैम्प है विच इज स्क्वायर एंड इट गेट्स अ क्रोम सराउंड ऑल्सो। इसके अलावा यहाँ पे कलर चेंज किया गया है विच इज डिफरेंट, योर बॉडी कलर से अलग है एंड यू हैव अ ब्लैक एलिमेंट यहाँ पर भी। सो व्हेन यू मूव ऑन टू द साइड, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है इस गाड़ी में, इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम जैसे पहले थी। 16 इंच के व्हील्स आते हैं विच स्टिल कंटिन्यू ऑन इट। ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड इनफ, ग्राउंड क्लियरेंस में चेंज नहीं आया है, इट रिटेन्स दैट एंड एट द सेम टाइम आपको ब्लैक रूफ मिलती है, रूफ रेल्स भी हैं एंड दिस टॉक्स अबाउट द सस्पेंशन की वो थोड़ा सॉफ्टर है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द रियर, यहाँ पे एक दो लाइन्स है विच आर क्लियरली एविडेंट, पर ये गाड़ी का हमेशा से एक पॉइंट रहा है कि ये पार्ट ना ऐसा लगता है चॉप ऑफ किया गया है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है एंड दिस इज वॉट इट मिसेज आउट क्लियरली यहाँ पे। एंड एज वी मूव ऑन टू द रियर ऑफ द व्हीकल, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, दिस इज अ न्यू एलिमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। आपको एक स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे एंड यू इवन हैव स्टेप्स ऑन द साइड, तो ये स्टेप से अभी हम चढ़ेंगे और जाएंगे सीधा गाड़ी के अंदर। तो चलिए गाड़ी के अंदर। TUV300 को मार्केट में आके काफ़ी टाइम हो गया और उसके इंटीरियर्स में मेजर चेंज नहीं हुआ है, पर कहा जा रहा है जो लेटेस्ट अपडेट किया गया है इसको इन टर्म्स ऑफ ट्वीकिंग, जो माइनर ट्वीकिंग किया गया है इसको, दैट्स डन बाय द पिनिनफेरिना टीम। अब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है, बट डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी बेसिक है, इट्स स्ट्रेट सिंपल टू द पॉइंट। मेरी एक ही कंप्लेंट है ऑलवेज कि इसको पावर विंडो स्विचेस यहाँ पे नहीं दिए गए ऑन द डोर, यू आर गेटिंग इट राइट इन द सेंटर। जब आप ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं द एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, सो बेसिकली व्हेन यू स्विच ऑन द कार यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो आता है एंड देन यू जस्ट वेट फॉर द साउंड टू कम इन। कभी भी साउंड आएगा उसका एंड इट विल इंटरप्ट अस इन अ टॉक। इसको हियर इट इज, सो एक ये आता है, फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कहता है प्लीज़ वेयर योर सीट बेल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो वो वॉइस कमांड्स देता रहता है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नथिंग मच टू टॉक अबाउट। देखिए जो प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है, इट्स नॉट बीन बिल्ट टू बी वेरी लैविश। ये बेसिक लैडर फ्रेम दिया गया इसको विथ रियर व्हील ड्राइव टू टारगेट रफ ड्राइविंग, मतलब अगर आपकी ख़राब रास्तों पर ड्राइविंग ज़्यादा है दैट्स वेन दिस कार सूट्स इन। पहले इसमें तो आपको टच स्क्रीन भी नहीं आता था, टच स्क्रीन आपको लास्ट अपडेट में आता, अब ये टच स्क्रीन में आपको ऑफकोर्स यू गेट योर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स पहले की तरह, पर अब रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दे दिया एंड द कैमरा क्वालिटी इज़ गुड ऑनेस्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नो रियल थिंग्स टू टॉक अबाउट। स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी बेसिक है, सिंपल टू यूज़, सीट्स फ्रंट सीट्स आर नॉट बैड एट ऑल, कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, स्टोरेज स्पेस इज डीसेंट है, यहाँ पे आपको एक स्टोरेज है, यहाँ पे आपको स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे कप होल्डर्स है, आपको ग्लव बॉक्स में स्टोरेज है, यू हैव डोर पैड्स में बॉटल स्टोरेज, सो स्टोरेज बहुत है इस गाड़ी में एंड हेडरूम इज मोर देन सफिशेंट। इतनी हेडरूम आपको कोई नहीं देगा इन दिस प्राइस पॉइंट। सो अमेजिंग इंटीरियर नहीं कहूँगा बट डिसेंट एनफ, मोर प्रैक्टिकली बिल्ट। अब इस गाड़ी की अगर सेफ्टी की बात करूँ तो दो एयरबैग्स ABS प्लस CBD इसमें स्टैंडर्ड आते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज नॉट मच टू टॉक। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेसिक है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है।
आपको जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो यहाँ पे आता है इन द सेंटर. ये टिपिकल महिंद्रा है. सो आपको KUE में भी सेंटर में आता है, XUV500 में भी आता है, 3W में भी यहीं आता है. सो दिस का ऑल्सो गेट्स इट हियर. तो आपको अलर्ट्स है, DRLs बेसिकली जो LEDs है गाड़ी के वो ऑफ करने का ऑप्शन है, एंड एन ई मैनुअल. तो आपको रिवर्स पार्किंग असिस्ट या इंफरटेनमेंट वो सब पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे चाहिए. टच स्क्रीन की क्वालिटी इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो डिनाइंग, बट द स्पीकर क्वालिटी कुड हैव बीन वे बेटर. आई मीन इट्स नॉट दैट ग्रेट एट ऑल. मूविंग टू द सेकेंड सीट्स, वहाँ पे बताते हैं क्या स्पेस दी हुई है. लेट्स गो. मुझे पता नहीं आपने हम लोग का पिछला TUV का रिव्यू देखा था या नहीं, तब मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन ये थी कि ये सीट बहुत अनकम्फर्टेबल है. उस पर काम किया गया, मच बेटर देन बिफोर, पर ये अभी भी बेंच लाइक फील होती है. पहले इसकी कुशनिंग जो थी ना के बराबर थी, और जो बैक रेस्ट था वो मतलब थोड़ा टाइम लगता था कि मैं कोई लकड़े की बेंच पे बैठा हूँ, बट नाउ दे हैव डन सम वर्क. और ये पहले से ज़्यादा सॉफ्टर है. दो हेडरेस्ट है, तीन नहीं मिलती है इसको, एंड यू डोंट गेट एन आर्म रेस्ट ऑल्सो इसमें, बट प्रैक्टिकलिटी इज डिसेंट. आपको रियर AC वेंट्स नहीं आते इसमें, आपको स्टोरेज मिलती है बिहाइंड द सीट पॉकेट, साथ में आपको बॉटल होल्डर्स है ऑन द डोर पैड्स, एंड नी रूम जस्ट सफिशिएंट है, तकलीफ नहीं है यहाँ पे. हेडरूम तो बहुत ज़्यादा है एट द बैक, तो तीन लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. पर थोड़े टाइम बाद थकावट होगी, क्योंकि ये सीट का जो कंफर्ट है ना वो और बेहतर किया जा सकता था. लाइक ऑनेस्टली तीन लोग बैठ के जा सकते हैं पूरा दिन, पर मैं नहीं बैठ सकता हूँ पूरा दिन, इट्स विल बी टायरिंग. क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो है ना काफ़ी अच्छा है पहले से, बट अगर आप कॉम्पिटिशन की बात करें जो भले ही सेम फीचर्स नहीं देते एट दिस प्राइस पॉइंट, पर वो उनकी क्वालिटी मच बेटर है फॉर श्योर. अब मैं आपको थर्ड रो दिखाता हूँ, क्योंकि ये 7-सीटर है एंड साथ में बूट भी है पीछे, सो वील शो यू हाउ गुड एंड स्पेशियस इट इज. चलो पीछे काय के लिए रुके हो. अब ये गाड़ी का अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा स्पेस है, इट्स गुड इनफ. जब आप सीट्स फोल्ड करते हैं तब आपके पास काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस बन जाती है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन, बट जब सीट खुली है तब आपके पास ना के बराबर बूट है, तब आपके पास बूट नहीं है रादर. सो इट्स ओके एट द बैक अगर सीट्स फोल्डेड है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ ले जा सकते हैं. अगर आप ये सीट फोल्ड करें सो इट्स जस्ट वन फोल्ड, और ये फुल फ्लैट फोल्ड नहीं होता है, सो दैट्स अ डाउनसाइड. अब गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाता हूँ हाउ कंफर्टेबल इज द सीट. चलो लेट मी सिट इन. सो पीछे बैठ गया हूँ मैं, सर मेरा जा नहीं रहा बराबर से. अब ना के बराबर है मेरे लिए स्पेस, मतलब मेरा शोल्डर यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, मेरा सर भी यहाँ टच हो रहा है. तो नी रूम है मेरे पास, पैर में उठा सकता हूँ हवा में, बट उसके अलावा मेरे पास हाथ रखने को जगह नहीं है ज़्यादा. और यहाँ पे मैं बॉटल रख सकता हूँ, पर ठीक है मेरे जैसे दो नहीं बैठ पाएंगे यहाँ पे, दो छोटे बच्चे बैठ जाएंगे, नथिंग मोर देन दैट. पर ये सीट ज़्यादा सेफ फील नहीं होती है मुझे, क्योंकि आप टेढ़ा देख रहे हो, नॉट स्ट्रेट, सो इट कैन बी स्कैरी. और साथ में इसका विंडो भी खुलता है, तो अगर आपको गर्मी हो रही है जहाँ मुझे अभी हो रही है, तो ये विंडो थोड़ा सा खुल जाता है बाहर की तरफ. अब इस गाड़ी को चला के बताते हैं आखिर में कैसी है. लेट्स गो. तो शुरू करते हैं हम टॉक इस गाड़ी का. ये रही इसकी चाबी, लॉक अनलॉक, और ये रहा आपका वन मोर बटन. मैं आपसे एंड में पूछता हूँ या बताऊंगा आपको ये बटन क्या करता है, आपका गैस क्या है. चलो बता ही देता हूँ, बस दैट्स व्हाट दिस डज. और ये लॉक अनलॉक, और अब चाबी डाल देते हैं हम जहाँ ये चाबी बैठती है. हो गई गाड़ी चालू, डाल दिया इसको फर्स्ट गियर में. अब इसके वाइब्रेशंस काफ़ी एविडेंट है, ये काफ़ी शेक दिखता है, और जब मैं एक बार बंद करूँगा ना तो देखना, बाप रे क्या शेक हुआ इसका गियर बॉक्स. वरना गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है. तो शुरू करते हैं इस गाड़ी को चलाना. AC का नॉइज़ एविडेंट है, AC की आवाज़ काफ़ी एविडेंट है फर्स्ट स्पीड पे ही, तो मैं AC नहीं चला रहा हूँ आपके लिए. ये बाकी था जो मैंने इंटीरियर में भी बताया था आपको. इस गाड़ी की एक खासियत ये है ना कि आप कोई भी स्पीड पे चलाएं, ये कोई भी गियर में पकड़ लेती है स्पीड. मतलब आपको सिटी में जब चलाते हो तो वो थर्ड गियर में स्ट्रगल करती है, सेकंड गियर में नॉर्मली गाड़ी स्ट्रगल करती है ना स्पीड ब्रेकर के बाद. इसमें आपको वैसा कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है, एंड इट्स सो नाइस इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. इसका जो इंजन नॉइज है वो बहुत ज़्यादा है, और
जब 4000 पार होता है तब आपको वाइब्रेशंस भी काफ़ी महसूस होते हैं गियर बॉक्स में, इसका बॉडी रोल भी काफ़ी एविडेंट है. सो इट्स नॉट अ फन कार टू ड्राइव ऑन द रोड, पर अगर आपको वो क्विक ओवरटेक करना है तो इसमें वो पावर है. इसका इंजन का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है डिस्पाइट बीइंग अ 1.500 bhp फैंटास्टिक है यार. मतलब वो हिसाब से ये गाड़ी बहुत बढ़िया है नॉर्मल रोड पे आपको चलाना है तो. पर जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करते हो ना, गेम चेंज हो जाता है इसका. मतलब कहानी कुछ और ही है. तो अगर आपको स्ट्रेट हाईवे पे चलाना है आपको ये अच्छी लगेगी, पर जैसे ही आप टर्न पे जाएंगे आप बोलेंगे अरे यार इससे अच्छा तो मैं कुछ और ले लेता. ये रहा इसका एक और एक डाउन साइड जो है राइड क्वालिटी. राइड क्वालिटी बहुत ही अजीब है. मुझे इसकी राइड क्वालिटी इतनी पसंद नहीं आई है. इट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर बट इट्स ओके. सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस गाड़ी ओके है एंड स्टीयरिंग फीडबैक इज डिसेंट. पावर गाड़ी का अच्छा है. देखो पावर में मेरे को तकलीफ नहीं है, पर 100-120 के बाद ना गाड़ी थोड़ी बाउंस होने लगती है. इट्स लाइक बाउंस थोड़ा. सो दैट्स वन एरिया विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ. अदरवाइज ठीक है. मैं आपको काफ़ी कुछ ठीक है कर रहा हूँ अभी तक, बट रियली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ये गाड़ी जब मैं सड़क पे चलाता हूँ ना लोग पास से हट जाते हैं. पता नहीं क्यों, उनको डर लगता है क्या है पता नहीं, बट पीपल जनरली मूव आउट ऑफ द वे जब टर्न वन ले रहे हैं. तो दैट्स वन डेफिनेटली गुड पॉइंट. और इसकी जो विजिबिलिटी ऑल राउंड, बड़े मिरर्स है, बड़ा ग्लास एरिया है, तो विजिबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है. इन टर्म्स ऑफ माइलेज ये आपको 14 से 15 दे देगी ऑन द हाईवे, सॉरी सिटी हाईवे में आपको ये 17 से 18 तक देगी. और ये केवल एक ही रियर व्हील ड्राइव है इन दिस सेगमेंट, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये लैडर फ्रेम है. बट इंजन साउंड वेरी स्ट्रेन्ड. मैं 55-60 तक गया था एंड द इंजन वाज सो डैम स्ट्रेन्ड इन द सेकेंड गियर. सो गियरिंग इसका शॉर्ट है फॉर श्योर. ओके सो प्रोडक्ट अच्छा है, फीचर्स आर ओके, बट ड्राइव सिटी में हाईवे पे काफ़ी अच्छी. और आप वो गलियों से अगर घुमाओगे ना सो आपको दिक्कत नहीं आएगी. मैंने गलियों में चलाया इसको एंड इट्स प्रीटी गुड दे. ठीक है सो नाउ मूविंग टू द वर्डिक्ट, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, और अगर लेनी चाहिए तो किस वजह से. तो अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द वर्डिक्ट. कहानी बहुत सिंपल है. जो प्राइस पॉइंट पे एक गाड़ी आती है इट गिव्स यू लॉट ऑफ थिंग्स. प्राइसिंग मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि प्राइस हर बार चेंज होती रहती है 5-6 महीने बाद. और आप कहोगे यार इसने तो गलत प्राइस बताई, तो मैं लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ इन MotorOctane.com जहाँ पे आप इसके सारे डिटेल्स देख सकते हैं. अब इसमें दो नए कलर्स आए हैं. ये रेड कलर है जो मेरे हिसाब से कुड हैव बीन अवॉइडेड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी कलर है एंड ये गाड़ी पे स्पोर्टी कलर डजेंट गो दैट वेल. साथ में जो दूसरा कलर आता है मिस्टिक कॉपर, दैट लुक्स अ लॉट बेटर देन दिस. सो इन टर्म्स ऑफ कलर्स आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी हैं. बट मूविंग ऑन टू द मेन पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, यहाँ पे जवाब बहुत आसान है. प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए मेजरली फॉर रूरल यूज़, मतलब आप एकदम कच्चे सड़कों पे चला रहे हो जहाँ आपको सड़क ये नहीं है, या फिर आप ऐसी जगह चला रहे हो जहाँ पे आपको ज़्यादा सामान ले जाना है, देन दिस का मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. देखिए मोनोकॉक चैसी इज गुड, इट्स रिलायबल एक्सेट्रा, पर जो काम लैडर फ्रेम कर सकता है वो मोनोकॉक नहीं कर सकता है कभी भी. सो इस वजह से अगर आपको एकदम कोई मजबूत गाड़ी चाहिए दिस शुड बी योर चॉइस इन दैट केस. पर अगर आपका सिटी में ड्राइविंग है एंड यू डोंट नीड समथिंग दैट्स रियली हैवी, आपको कुछ लाइट चाहिए फॉर डेली यूज, जो आप मज़ा भी आए आपको चलाने को, देन दिस माइट नॉट बी द चॉइस फॉर यू. पर इसकी जो चॉइस है इज कम्प्लीटली डिफरेंट. जो दूसरा सेगमेंट है द अर्बन सॉर्ट ऑफ बायर, उसके लिए XUV300 इज अ बेटर पिक अगर आप महिंद्रा फैमिली में ही गाड़ी लेना चाहते हैं. इफ यू नीड समथिंग दैट स्ट्रॉन्ग और आप खराब रास्तों पे ज़्यादा चलाएं, दिस शुड बी योर चॉइस. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. ये था एक क्विक वीडियो हमारी तरफ से ऑन दिस का, एलैबोरेट जितना कर सके किया है हमने. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस लाइक एंड कुछ भी सवाल हो नीचे छोड़ दीजिए, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा. और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए MotorOctane YouTube चैनल को. आप सब्सक्राइब नहीं दबा रहे और बेल आइकन भी नहीं दबा रहे हो, सो प्रेस दैट राइट अवे, तोड़ दीजिए उस लाल बटन को आज ही प्रेस करके. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, ड्राइव सेफ.